श्री स्वामीनारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। महंत स्वामी महाराज नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी जय। भारतीय संगीत परंपरा એ વિશ્વની સૌથી અર્વાચીન અને અખંડિત સંગીત પરંપરા છે। ભારતીય સંગીત એ વેદો સાથે સંકળાયેલું છે। સંગીત પાસે સમગ્ર વિશ્વને બદલવાની તાકાત છે, કારણ સંગીત વ્યક્તિ વ્યક્તિને પરિવર્તિત કરી શકે છે। સંગીત હૃદયના દ્વાર પણ ખોલી શકે છે, વિચારોને પાંખો આપે છે, કલ્પનાને ઊંચી ઉડાન આપે છે અને જીવનને નવી દિશા પણ ચીંધે છે। સંગીત એ એક એવી ભાષા છે જેને આત્મા અને પરમાત્મા સમજી શકે છે। એટલે જ ભારતના ભક્તોએ સંગીતને માત્ર સૂર સાથે તાલ પૂરતું સીમિત ન રાખતા હરિવનને રીઝવવા માટેનું સુલભ સાધન પણ બનાવ્યું। માટે સંગીત એ સંગીત મટી શ્રીહરિના ચરણમાં અર્પાતું ભક્તિ અર્ઘ્ય પણ બન્યું। સંગીત એ ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનું અદ્રશ્ય સંવાદ બન્યું। સંગીત એ એવો ધૂપ બન્યું કે જે સમગ્ર વાતાવરણને સુગંધિમાન બનાવી દે છે। એટલે જ આધ્યાત્મિક માર્ગના આરાધકોએ સંગીતની આરાધનાને ભક્તિ તરીકે પણ સ્વીકારી। આજે ભીમ એકાદશીના શુભ દિવસે એવી જ એક ભક્તિ આરાધનાને આપણે માણવા ભેગા થયા છીએ, ત્યારે આવો ભક્તિ સંગીતના આરાધકોને આપણે વિનંતી કરીએ કે આ ભક્તિનો આરંભ સ્વામિનારાયણ મંત્રના ધૂન દ્વારા કરાવશે। Swami Narayan,
स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। भारतीय संस्कृतिए अतिथिनो महिमा गाता तेने देवनी उपमा आपता कह्यु छे अतिथि देवो भव। जरे संजोगो एवा सर्जाय के भक्ति ने आधीन बनी साक्षात देव बनीने अतिथि ज पधारवाना होय तो भगवान भक्तना हृदय में भक्तिना पूर उमटे तेनो आनंद माय नहीं। इतिहास साक्षी छे एवा प्रसंगोनो। राम भगवान सबरीना मेहमान बन्या होय के पछी श्रीकृष्ण भगवान विदुरजीना के स्वामीनारायण भगवान गंगाबाईना के रसग्राम वाघरीना भगवान ने पोताना आंगणे आवकारवा भक्त हृदयनो मोरलो थनगनी उठतो होय छे। भक्त हृदयमांथी पोकारी उठे छे के अलबेला आवो ने मारे आंगणे रे, हूँ ऊभी जो वाट तमारी, जो आपना माटे शेरीवाड़ी सज्ज करावी छे। फूलड़ा केसर अने कुमकुम वड़े तेने शणगारी छे। चौकमां मोतीओनी शोभा सजी छे। मीठा मावा मिठाईना तो पार नथी। भक्त हृदयनी आ भावनाने रजू करतुं सद्गुरु प्रेमानंद स्वामीनु पद अने श्रीहरिना आतिथ्य अने आवकारने प्रस्तुत करशे परम भगवदीय प्रीतेशभाई पंचोली। श्री वासुदेव विमला मृत धाम वासम नारायणं नहकता रणनामधेयं श्यामं चितं द्विभुजमे वचतुर्भुजं च त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये। अलबेला ओ रे आज मारे आंगणे जो, अलबेला आओ रे आज मारे आंगणे जो, अलबेला ओ रे आज मारे आंगणे जो, अलबेला आओ रे आज मारे आंगणे जो। पूरो मारा हैडा केरी हाम जो, हड़वा ते भर जोरे पगला हेत मांजो, हड़वा ते भर जोरे पगला हेत मांजो। आओ मारा वाला पूरण काम जो, अलबेला आवो रे आज मारे आंगणे जो, अलबेला आवो रे आज मारे आंगणे जो। शेरी वाली ने मैं तो सज करी जो, फूलड़ा वेर्या छे उभी वाट जो, केसर ने कुमकुम ना चाटा छाटना जो, केसर ने कुमकुम ना चाटा छाटना जो। मारो
वालो जी पधारे ते माट जो अलबेला आओ रे आज मारे आंगणे जो अलबेला आओ रे आज मारे आंगणे जो अगर ने चंदन लिप्या ओरड़ा जो मोतीड़े कई पूरा छे चौक जो मोंगे ते मणिया गरेली प्याला जो मोंगे ते मणिया गरेली प्याला जो वाला तमने पधराव्या ना गोख जो अलबेला आवो रे आज मारे आंगणे जो अलबेला आवो रे आज मारे आंगणे जो फुलड़े समारी वाला से जड़ी जो मेवा ने मिठाई ना नहीं पार जो प्रेमानंद ना स्वामी जो हुआटड़ी जो प्रेमानंद ना स्वामी जो हुआटड़ी जो आओ मारा हैड़ा केरा आर जो रे आज मारे आंगणे जो अलबेला आओ रे आज मारे आंगणे जो अलबेला आओ रे आज मारे आंगणे जो अलबेला आओ रे आज मारे आंगणे जो भगवानी मूर्ति दरेकना मन में वसी जाती एक बार दर्शन करेला होय तेनु पण चितलडू भगवान चोरी लेता हिंदुस्तान थी द्वारका नी यात्रा निकलेला मुमुक्षु अने विद्वान एवा दीनमणि शर्माए ऊंजा में एवी वात सांभळी के भगवान प्रगट बिराजे छे तळावना किनारे भरायेली सभा में भगवान स्वामीनारायण नी मूर्तिना दर्शन कर्या ने महाराज नी मूर्ति एमना मन में वसी गई त्याज 68 तीरथ मानी भगवान शरणों स्वीकारी दीक्षाले सद्गुरु नित्यानंद स्वामी बन्या धोळकाना राजकवि गजागढ़वी तेमना मित्र अजा पटेल साथे महाराज ने मळवा मेनका आव्या सहजानंद स्वामीना दर्शन थचा संसार असार थई गयो गजागढ़वी पूर्णानंद स्वामी बनी गया श्रीमाणी ब्राह्मणोनी नात गढ़ामां जमण अर्थे भेगी थई हती कोई जिज्ञासावश तो कोई महिमा साथे भगवान स्वामीनारायणना दर्शन करवा माटे आव्या ए ब्रह्म भीड़मां 8 वर्षनी कुमड़ी वयना बाळक दलपते श्रीहरिना क्षणिक दर्शन कर्या श्रीहरि मात्र बे ज बोल बोल्या भगुजी माणकी ने पारवो चढ़ावी देजो एवा तो चित्त चौंटी गया के बाड़क भविष्य में भारतना कविरत्न दलपतराम बन्या 78 वर्षनी उमरे पण श्रीहरिनी मन वसेली मूर्ति एमनाथी विसराती न हती एटले ज प्रेमानंद स्वामीए पोताना पदमां गायुं के मन वसियो रे मारो मन वसियो सहजानंद मारे मन वसियो प्रेमानंदनो नाथ छबीलो सोळे कळा पूर्ण शशियो रे हा सोळे कळाए पूर्ण खिलेल शशिने शोभावे शरमावे तेवी श्रीहरिनी मनमोहक मूर्तिनु वर्णन करतू प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामीनु पद हवे माणिए सुधीरभाई पाठकना मधुर कंठे सुंदर मूर्ति सोहामणी ने रूपाड़ी रंग रे रे अरे मन मोहन महाराजनी अरे हे आ तो छबी अभरे भरे मन वसियो रे मारे मन बसियो
सहजानंद मारे मन बसियो मन बसियो रे मारे मन बसियो सहजानंद मारे मन बसियो मन बसियो रे मारे मन बसियो सहजानंद मारे मन बसियो मन बसियो रे मारे मन बसियो सहजानंद मारे मन बसियो ओ सहजानंद मारे मन बसियो सहजानंद मारे मन बसियो छेल छो गाड़ो मालो अति मर मारो छेल छो गाड़ो मालो अति मर मारो रंग भीनो रसनो रसियो रे मारे मन वसियो रे मारे मन वसियो सहजानंद मारे मन बसियो हो सहजानंद मारे मन बसियो हड़ वैष्णु वालो भेद करीने ओ हड़ वैष्णु वालो भेद करीने मुझ सामु जोईने हसियो रे मारे मन बसियो रे मारे मन बसियो सहजानंद मारे मन बसियो हो सहजानंद मारे मन बसियो पशु बल पाग केसर नो भीनो हो कसुंबल पाग केसर भीनो पीतांबर कमरे कसियो रे मारे मन बसियो रे मारे मन बसियो सहजानंद मारे मन बसियो को सहजानंद मारे मन बसियो प्रेमानंद नो नाथ छबीलो प्रेमानंद नो नाथ छबीलो सोड़े कड़ा पूरण शशियो रे मारे मन बसियो रे मारे मन बसियो सहजानंद मारे मन बसियो ओ सहजानंद मारे मन बसियो ओ सहजानंद मारे मन बसियो कोई ये प्रश्न पूछ्यो कि घर में अने स्मशान में शू भेद जवाब हतो प्राण गया पछी माणस स्मशान में बड़े छे ने हित अने प्रेम गया पछी माणस घर में बड़े छे
मशीन में तेल खूटे तो कीचूड़ कीचूड़ थाय ने जीवन में स्नेह खूटे तो कचकच शुरू थाय एटले ज कहूँ के स्नेह विनानी सृष्टि स्मशानवत है। जगतना जीव साथ करेली प्रीति तो शरीर पूरती सीमित रहती हो खरी प्रीति तो जगदीश साथ करेली हो कहवाय एटले ज कविए कहूँ पोथीसो बनी थोथी बनी पंडित न बने कोई ढाई अक्षर प्रेम का पटेसो पंडित होय। आध्यात्मिक मार्ग में साधना प्रेम भक्ति विना लुखी आपने लगती होय छे। एटले ज भक्ति की व्याख्या करता भगवान स्वामीनारायण शिक्षापत्रीना 103 श्लोक में कहूँ के भगवान में महात्मा ज्ञाने सहित स्नेह तेज भक्ति छे। भक्तों आवा प्रेमना तांतने परमात्मा साथे जोड़ायेला हता। तेमाना एक हता प्रेमानंद स्वामी। तेमनो प्रेम जोई श्रीहरि पण तेमने प्रेम सखी कहीने संबोधता। प्रेमानंद स्वामी अने श्रीहरि वच्चे केवो संबंध हतो आवो तेमना ज रचेला एक पद प्यारे ते तोरी मोरी प्रीत न छूटे तेने माणीए परम भगदीय प्रीतेश भाईना मधुर कंठे। प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। ओ प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। लगी है प्रीत तो सुंदर श्याम सुंदर जैसे हीरो कोरियो न फूटे रे। हे हे प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। ओ प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। लगी है प्रीत तो सुन श्याम सुंदर जैसे हीरो कोरियो न फूटे रे। हे हे प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। ओ प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। समझी विचारी प्यारे तो सू जोरी। समझी विचारी प्यारे तो सू जोरी। समझी विचारी प्यारे तो सू जोरी। कहू की तोराई न टूटे रे न टूटे रे। प्यारे तोरी मोरी प्रीत प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। जोरी प्रीत जानी साचे स्नेही और स्नेही सब झूठे रे। ए हे प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे। ओ प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छूटे रे।
प्रेमानंद के प्यारे अब न छोड़ूं, प्रेमानंद के प्यारे अब न छोड़ूं, प्रेमानंद के प्यारे अब न छोड़ूं, छोने जगत शीर कुटे रे कुटे रे, प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छुटे रे, ओ प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छुटे रे, लगी है प्रीत तो सुन श्याम सुंदर जैसे हीरो होरियो न फूटे रे, हे हे प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छुटे रे, ओ प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छुटे रे, ओ प्यारे तोरी मोरी प्रीत न छुटे रे। આ લોકમાં અનેક પ્રકારના સંબંધો હોય છે, દાખલા તરીકે ભાઈ ભાઈનો સંબંધ, પિતા પુત્રનો સંબંધ, માતા પિતા અને સંતાનનો સંબંધ, પતિ પત્નીનો સંબંધ, આમ ઘણા બધા સંબંધો હોય છે, પરંતુ એ બધા સંબંધો આ લોક પૂરતા જ હોય છે, એટલે કે ટેમ્પરરી હોય છે, પણ શાશ્વત હોતા નથી। વળી આ બધા સંબંધો સાચા પણ હોતા નથી, કારણ કે પૂર્વજન્મમાં અને પુનર્જન્મમાં એ સંબંધો રહેવાના નથી। પરંતુ એક એવો સંબંધ છે જે સત્ય છે અને શાશ્વત છે, એ છે આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ, અર્થાત ભક્ત અને ભગવાનનો સંબંધ। ખરેખર આ જીવન નાશવંત છે, તુચ્છ છે, ક્ષણભંગુર છે, તેથી જ વેદવ્યાસજીએ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં લખ્યું, દુર્લભો માનુષો દેહો દેહી નામ ક્ષણભંગુર। આ મનુષ્ય દેહ દુર્લભ છે, નાશવંત છે અને ક્ષણભંગુર છે। આ દુનિયામાં આપણા સાચા હિત અને ચિંતક કેવળ ભગવાન જ છે, અને એટલે જ ભગવાનના ચરણોમાં આપણે નિત્ય પ્રાર્થના કરવી પડે છે કે હરિબિન કોઈના તેરા। તો આવો મુક્તાનંદ સ્વામી રચિત આ કીર્તનને માણીએ પરમ ભગવદીય સુધીરભાઈ પાઠક પાસેથી। चार दिन की चांदनी बीते, चार दिन की रे अरे चांदनी बीते, आगे बहुत अंधेरा, समझे न रे हरि बिन कोई न तेरा रे, ओ हरि बिन कोई न तेरा, समझ न रे हरि बिन कोई न तेरा रे, ओ मनुष्य देह दया करी दीनी ताते चेत सवेरा रे, ओ मनुष्य देह दया करी दीनी ताते चेत सवेरा रे, ओ अब को अवसर भूल जाएगा, अब को अवसर अरे भूल जाएगा, सहेगा दुख घनेरा, समझ न रे
हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी हरि बिन कोई न तेरा समझ न रे हरि बिन कोई न तेरा रे हो जन्म दियो है जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे हो जी हाँ भरत खंड मध्य जन्म दियो है जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे हो स्वामी नारायण नाम रटन करी स्वामी नारायण अरे स्वामी नारायण नाम रटन करी पार करो भव फेरा समझ न रे हरि बिन कोई न तेरा रे हो लोभ मानित जी हो संतन का चेरा रे हो काम क्रोध मद मोह मानित जी हो संतन का चेरा रे हो मुक्तानंद कहे महासुख पावे मुक्तानंद कहे हाँ अरे महासुख पावे मान वचन दृढ़ मेरा समझ न रे हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी हरि बिन कोई न तेरा समझ न रे हरि बिन कोई न तेरा रे हो કહેવાયું છે કે રંગ લાતીએ હિના પીસ જાને કે બાદ એટલે કે મહેંદી જ્યારે પરિપૂર્ણ પીસાઈ જાય ત્યાર પછી જ એનો રંગ લાલ આવતો હોય છે તેમ બધા સંસારી રાગ રંગ ભસ્મ થઈ જાય પછી જ ભગવાનનો રંગ આવતો હોય છે કસુંબીનો રંગ ઉતરી જાય પણ રસિયાજીનો રંગ લાગ્યા પછી ઉતરે જ નહીં મીરાબાઈએ પોતાની આત્મારૂપી ચુંદડીને શ્યામના રંગે રંગી નાખવા શ્યામને જ કહે છે લાલના રંગાવ મેં હરિના રંગાવ અપને હિ રંગ મેં રંગ રે ચુનરિયા શ્યામ પિયા મોરી રંગ દે ચુનરિયા જો શ્રીજીનો રંગ ચઢી જાય ત્યાર પછી તો ભગવાનની મૂર્તિ વિના માગવાનો જ શું રહે કારણ ભગવાનની મૂર્તિ સાધના માત્રનો સરવાળો છે ભગવાનની મૂર્તિમાં રાગ ટાળી વિતરાગ પ્રગટાવવાની તાકાત રહેલી છે ભગવાનની મૂર્તિમાં અધ્યાત્મનો અર્ક રહેલો છે ભગવાનની આવી અલૌકિક મૂર્તિ
अविकारी मूर्ति हर हमेश अपना हृदय में तथा नैनन में समाई जाए एना बीजी कोई मोटी साधना आध्यात्मिक मार्ग में कहीं नहीं। वड़ी भगवान अनंत गुणों सागर है, परंतु तेमानो एक गुण समत्व अर्थात समानता। भगवान पोता पारका कोई भेद राखता नहीं, अमीर अने तवंगर में कोई भेद राखता नहीं, उच्च अने नीच में कोई भेद राखता नहीं। दरेक भक्तों ने पोताना रंगे रंगावाज आ धरा पर पोते अवतरिया है, तो आवो महाराज तथा स्वामी दिव्य रंगे रंगाइए। एक विशिष्ट रंग साथ कीर्तन शब्दों से तू रंगाई जाने रंग में रजू करते परम भगवदीय मुकेश भाई पटेल। चित प्रभु सहजानंद मां आठे पो रहे आनंद मां रंगाई जाने रंग मां तू रंगाई जाने रंग मां चित प्रभु सहजानंद मां आठे पो रहे आनंद मां रंगाई जाने रंग मां तू रंगाई जाने रंग मां सगपण साचू सामणियानू एज खरो मन मीत बाकी झूठी सगड़ी प्री ओ सगपण साचू सामणियानू एज खरो मन मीत बाकी झूठी सगड़ी प्री स्वासो स्वासे रटू घनश्याम ने स्वासो स्वासे रटू घनश्याम ने रोमे रोम अंग अंग मा रंगाई जाने रंग मा तू रंगाई जाने रंग मा चित प्रभु सहजानंद मा आठे पो रहे आनंद मां रंगाई जाने रंग मां तू रंगाई जाने रंग मां रात्रे श्री हरि दिवस श्री हरि सांझ सवार भूलिस मा तू पड़वा ओ रात्रे श्री हरि दिवस श्री हरि सांझ सवार भूलिस मा तू पड़वा कर चिले ने क्षण क्षण तारी कर चिले ने ओ कर चिले ने क्षण क्षण तारी सहजानंदनी संग मा रंगाई जाने रंग मा तू रंगाई जाने रंग मान चित प्रभु सहजानंद मां आठे पो रहे आनंद मां रंगाई जाने रंग मां तू रंगाई जाने रंग मां
मूर्ति मनोहर हये मड़ीले जन्मो जन्म नो सार आछे त्रिभुवन नो ना ओ मूर्ति मनोहर हये मड़ीले जन्मो जन्म नो सार आछे त्रिभुवन के रो ना माया ममता मोह त्यजी ने माया ममता मोह त्यजी ने रे उनीत उमंग मा रंगाई जाने रंग मा तू रंगाई जाने रंग मा चित प्रभु सजानंद मा आठे पो रहे आनंद मा रंगाई जाने रंग मा तू रंगाई जाने रंग मा सहजानंद या समरता सहजी मटता मान अभिमान गाई ले तू गुण गा ओ सहजानंद या समरता सहजी मटता मान अभिमान गाई ले तू गुण गा सहजानंद छे सर्वावतारी सहजानंद छे ओ सहजानंद छे सर्वावतारी दिव्य प्रकाशी जगमा रंगाई जाने रंगमा तू रंगाई जाने रंग मा चित प्रभु सजानंद मा आठे पो रहे आनंद मा रंगाई जाने रंग मा तू रंगाई जाने रंग मा तू रंगाई जाने रंग मा तू रंगाई जाने रंग मा स्वामी नारायण 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 आजे भीम एकादशीना परम पवित्र दिवसे नैरवी सत्संग मंडळना युवकों द्वारा सुंदर कीर्तन आराधना लाभ अपने सौने प्राप्त थयो ते बदल आपणे तेमना खूब खूब आभारी छीए। आवती एकादशीना दिवसे पुनः विशिष्ट कीर्तन आराधना लाभ अपने आ रीते ज प्राप्त थशे। त्यां सुधी सर्वने जय स्वामीनारायण। पूर्णाहुति श्लोक द्वारा अपने आजनी आ कीर्तन भक्तिनी पूर्णाहुति करीशुं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनं विपाव्यदास भावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्ति धर्मात्मजं दिव्यरूपं परम्
शांतिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामीनारायणं नीलकंठं भजे श्रीहरिं।